हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 1994 से होती है, जहाँ पे यूएस नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस मोंटाना समुद्र में पेट्रोलिंग कर रही होती है कि तभी उन्हें एक मूविंग ऑब्जेक्ट उनके रडार पर दिखाई देता है, जो कि काफी तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट सबमरीन के पास से होकर गुजरती है, सबमरीन के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें अपने आप शट डाउन हो जाती है और थोड़े समय के बाद उनका पावर वापस आता है। लेकिन इसके पहले कि वो सबमरीन को उनके कंट्रोल में ला पाते, सबमरीन जाकर सीधा एक बड़े चट्टान से टकरा जाती है, जिसके कारण सबमरीन में पूरा पानी भरने लगता है। लेकिन आखिरी समय पर ये लोग इमरजेंसी टीम को अपना लोकेशन भेज देते हैं, लेकिन सबमरीन डूबने का असली कारण किसी को भी नहीं पता होता। इस सबमरीन में काफी सारे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, इसीलिए यूएस नेवी का शक सोवियत नेशंस पर ही जाता है कि वे लोग उनकी सबमरीन चुराना चाहते थे, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने सोवियत यानी रशिया की कुछ शिप्स अपने लोकेशन पर देखी थी। और इसीलिए यूएस नेवी एक रेस्क्यू मिशन प्लान करती है ताकि इन वेपन्स को ला सके। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है जहाँ पे सबमरीन डूबी थी वहाँ पे अचानक से हरिकेन आ गया है और उनके पास समय कम बचा था, इसीलिए यूएस ने भी वो एक प्राइवेट ऑयल डिगिंग कंपनी डीप कोर को कांटेक्ट करती है कि वो उन्हें उनका एडवांस अंडर वाटर ऑयल डिगिंग प्लेटफॉर्म उनके रेस्क्यू मिशन के लिए इस्तेमाल करने दे, जो कि यूएस ने भी अपने रेस्क्यू मिशन के लिए एज एक बेस की तरह इस्तेमाल कर सकती है। और इस प्लेटफॉर्म को लिंसे नाम की लड़की ने बनाया होता है डीप अंडर वाटर में ऑयल की खोज करने के लिए, और इस प्लेटफॉर्म को काफी लंबी केबल के जरिए ऊपर पानी पर कंपनी की दूसरी शिप के साथ कनेक्टेड रखा गया होता है। वही हम डीप कोर कंपनी की टीम को देखते हैं, जिनमें लिंसे, पति बर्ड्स, विल ऐसे कुछ लोग होते हैं। लेकिन अभी लिंसे और बर्ड्स में काफी इशू चल रहे थे, इसीलिए जल्दी सेपरेट होने वाले थे। हालांकि बर्ड्स को लिंसे अभी भी पसंद होती है। अब इन सबको भी यूएस नेवी की टीम यानी सील ये टीम रेस्क्यू मिशन पे लेके जाने का तय करती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की सारे मशीन इन्हें ही पता था कैसे ऑपरेट करनी है। यूएस नेवी की टीम को सील ये नाम दिया गया था और इन दोनों टीम्स को मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स को निकालना था। नेवी की टीम काफी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें डीप कोर कंपनी के साथ शेयर नहीं करती। वही अब मिशन पर निकलने से पहले हर एक टीम मेंबर की बॉडी को कंप्रेस किया जाता है ताकि उनकी बॉडी डीप वाटर के प्रेशर से पिचक न जाए। इसी के साथ उन्हें ये मिशन बिना पानी के ऊपर आए खत्म करना होगा, क्योंकि अगर एक बार वो ऊपर आ जाते हैं तो उन्हें कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे उनकी बॉडी को फिर से डीकंप्रेस करने के लिए, जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका पूरा शरीर एक बलून की तरह फूल कर फूट जाएगा। अब इधर डाइव पर जाने से पहले लिंसे बाकी मेंबर्स को डीप वाटर के प्रेशर से होने वाली बीमारी यानी हाई प्रेशर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम इसके बारे में बताती है, जिसमें इंसान को एंजाइटी अटैक आना और ठीक से ना सोचने पाने के सिम्टम्स होते हैं। अब वही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सभी अंडर वाटर प्लेटफॉर्म को केमन ट्रफ में एक क्लिफ के पास स्टेशन करते हैं, जहाँ पे सबमरीन क्रैश हुई थी, और अपने अपने मिनी सबमरीन के साथ सभी डाइव करने लगते हैं, जहाँ पे समुन्द्र के 2000 फीट गहराई में आने के बाद उन्हें सबमरीन दिख जाता है, जो कि बुरी तरीके से तबाह हो चुका था। लेकिन सबमरीन से अभी रेडिएशन लीक नहीं हो रहा था। इधर रेस्क्यू मिशन को जारी करने के लिए दोनों टीम अलग हो जाते हैं, जहाँ पे सील यानी नेवी की टीम के लोग मलबे में न्यूक्लियर वेपन को बाहर निकालने का काम करने लगते हैं। वही डीप कोर की टीम बाकी बचे हुए लोगों की तलाश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें काफी सारी लाशें दिखने लगती हैं, जिसके कारण टीम मेंबर विल्स पैनिक होने लगता है और वो पीछे रुकता है और बर्ड अकेले ही आगे जाता है। इधर बर्ड के जाते ही अजीब कारण से विल्स की सूट के इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं, और तभी विल को कुछ पीछे से एक ब्लू कलर की लाइट जाते हुए दिखाई देती है, जिसे देख वो भागने की कोशिश करता है और घबराहट में सूट के इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। लेकिन तभी सील टीम में से कुछ लोग आकर उसे बचा लेते हैं, मगर तभी एक एक करके दूसरे लोगों के भी इक्विपमेंट फेल होने लगते हैं। वही लिंसे के आसपास भी वही अजीब सा ऑब्जेक्ट पास होता है, वो चीज गहराइयों में गायब हो जाती है, जिसके जाते ही सारे इक्विपमेंट्स की पावर फिर से वापस आ जाती है। वहीं पे विल्स इस इंसिडेंट के कारण अब कोमा में चला गया था, तो यहाँ पे लिंसे बर्ड को उसके साथ जो हुआ था वो बताती है। लेकिन बर्ड को लगने लगता है कि लिंसे को भी उस बीमारी के कारण हेलुसिनेशन हो रहे हैं। वहीं सील टीम के उनके सीनियर्स बताते हैं कि रडार पर उन्हें कुछ वापस सोवियत शिप यानी रशिया की शिप दिखाई गए हैं, जिसके बाद उनके सीनियर सील टीम को उन्हें उनका प्लान बी एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। वहीं न्यूज के द्वारा डीप कोर टीम को पता चलता है कि यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत
बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। यूएस नेवी ने सोवियत डिस्ट्रॉयर शिप पर अटैक कर दिया है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का मानना था उनकी जो सबमरीन डूबी थी उसके पीछे सोवियत यूनियन का ही हाथ है। ये न्यूज देखते ही डीप को डीप काफी हैरान होती है और नेवी के लोगों से पूछने चली जाती है। लेकिन तभी इसी इलिया ने नेवी की टीम बिना बताए इस पूरे टीम को छोड़कर मेन सबमरीन लेकर डीप वाटर में चली जाती है। तो वही सतह पर हरिकेन के कारण डीप कोर की टीम पूरी तरीके से फंस गई थी और क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म एक केबल के जरिए उनके शिप से ऊपर कनेक्टेड रहता है, उन्हें कैसे भी करके शिप से डिस्कनेक्ट करना होगा इसके पहले कि वो लोग भी हरिकेन में फंस जाएं। पर जिस सबमरीन की मदद से ये हो सकता था वही सील टीम यानी नेवी की टीम अपने साथ लेके गई थी। इधर दूसरी तरफ सील टीम उनका प्लान बी एक्टिवेट करती है। दरअसल प्लान बी ये रहता है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा तो न्यूक्लियर वेपन से इस पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना है और यह लोग सबमरीन के आसपास से कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स रिकवर करने लगते हैं। इसी बीच में लेफ्टिनेंट कॉनी नोटिस करता है उसे भी हैलुसिनेशन हो रहा है और एंजाइटी अटैक आ रहे हैं। तो वही सील यानी नेवी की टीम फाइनली सबमरीन के साथ प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाती है। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और जिस क्रेन के थ्रू उनका प्लेटफॉर्म कनेक्टेड होता है वो हरिकेन के कारण टूट जाता है। लेकिन हरिकेन के कारण वो क्रेन बिल्कुल उनके सामने आकर पानी में गिरता है। पर तभी क्रेन क्लिफ से नीचे गिरने लगता है जिसके साथ कनेक्टेड प्लेटफॉर्म भी नीचे जाने लगता है। मगर ठीक समय पर प्लेटफॉर्म क्लिफ के एज पर आकर रुक जाता है। पर इस पूरे इंसिडेंट के दौरान प्लेटफॉर्म के सारे चेंबर्स में पानी भर जाता है जिसके कारण उनका ऊपर शिप से कनेक्शन टूट जाता है और उनके काफी लोग मारे भी जाते हैं। इधर क्रू को पता चल जाता है कि उनके पास अब बस 12 घंटे का ऑक्सीजन सप्लाई बचा है और ये तूफान अभी काफी दिनों तक रहेगा और इसीलिए बाहर पड़े कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर को रिकवर करने के लिए लिन से डाइव करती है। पर जब वो सिलेंडर निकाल रही होती है तब अचानक से उसकी सूट के इक्विपमेंट बंद हो जाते हैं और इसी बीच लिंसी का सामना एक मिस्टीरियस लिविंग क्रीचर से होता है जो कि ग्लो कर रहा था। वही देखते ही देखते लिंसी के सामने एक और बड़ा सा क्रीचर आ जाता है जो कि जेलीफिश की तरह दिख रहा था। पर इसके पहले कि लिंसी उसे समझ पाती वो एकदम से गायब हो जाता है। लेकिन ये चीज आसपास होने के कारण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेल हो रहे थे पर लकीली लिंसी इस चीज की तस्वीर ले लेती है और वो आगे क्रू मेंबर्स को दिखाती है। साथ ही लिंसी अपना एक्सपीरियंस भी समझाने की कोशिश करती है और आके बताती है कि ये दरअसल एक नॉन ह्यूमन लेकिन काफी इंटेलिजेंट क्रीचर है। UTIs बताती है यानी अनआइडेंटिफाइड नॉन टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। पर कोई भी लिंसी की इन बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। वही सील टीम और डीप कोर टीम के बीच में बहस होने लगती है क्योंकि सील टीम के कारण ही सभी ऑक्सीजन की कमी के कारण अब मरने वाले होते हैं। साथ ही सील टीम ने अभी भी अपने प्लान बी के बारे में इन्हें बताया नहीं होता कि उन्होंने सबमरीन के मलबे से एक न्यूक्लियर मिसाइल को रिकवर करके लाया होता है। पर तभी लिंसी की टीम में से हिपी को उन लोगों पर शक होने लगता है और इसीलिए वो उन पर नजर रखने लगता है जिसके बाद हिपी को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है जो कि ये होता है कि अगर वो लोग न्यूक्लियर मिसाइल को समय रहते रिकवर नहीं कर सकते तो उन्हें उस मिसाइल में से एक डिटोनेट करके बाकी सभी मिसाइल्स एक साथ खत्म कर देनी है ताकि सोवियत यूनियन उन मिसाइल्स को यूज ना कर पाए, फिर चाहे इन लोगों की मौत ही क्यों ना हो उसमें। और जब बर्ड लिंसी को नेवी के इस प्लान के बारे में बताने लगता है तो वो इनके ऊपर काफी गुस्सा करती है और इनका आर्ग्यूमेंट होता है। लेकिन लेफ्टिनेंट कॉफी अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते रहने का डिसीजन लेते हैं। थोड़े समय के बाद वे लोग आराम कर रहे होते हैं और उनके प्लेटफॉर्म के अंदर एक अजीब तरह से एलियन घुस जाता है जो कि अपने शेप को किसी भी इंसान के चेहरे की तरह बदल सकता था। वही एक एलियन उसी रूम की तरफ बढ़ने लगता है जहां न्यूक्लियर मिसाइल को रखा था और अजीब कारण से उसे स्मेल करने लगता है। लेकिन तभी लेफ्टिनेंट कॉफी जो कि बीमार हो गए थे एलियन को देख उसे खतरा समझकर उसे डराकर वापस भगा देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उनका हैलुसिनेशन है। लिंसी को इसके बारे में पता चलता है तब वो कहती है कि ये वही UTIs है यानी एलियन क्रीचर जो किसी भी चीज को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखते हैं। तो वही लेफ्टिनेंट कॉफी को लग रहा था कि ये सोवियत नेशन का किया कराया है उनके न्यूक्लियर मिसाइल को हासिल करने के लिए और क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट नेवी से टूट चुका होता है लेफ्टिनेंट कॉफी खुद का ही डिसीजन लेते हैं और उस न्यूक्लियर मिसाइल जिसे इन लोगों ने सबमरीन से रिकवर किया था
उसे एक मिनी रोबोट के अंदर रख देते हैं और उसे प्रोग्राम कर देते हैं उसी जगह ले जाने के लिए जहां लिंडसे ने आखिरी बार उन यूटीआईज यानी एलियन क्रिएचर को देखा था। अब उनके प्लान में रुकावट ना आए इसीलिए वो सभी डीप कोर कंपनी के लोगों को गन पॉइंट में पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। मगर किसी तरह डीप कोर टीम के लोग खुद को बाहर निकाल लेते हैं, पर तब तक लेफ्टिनेंट कॉफी उनकी मेन सबमरीन के साथ भाग चुके होते हैं। पर बर्ड हिम्मत दिखाते हुए उसकी सबमरीन पर कूद जाता है और उस मिनी रोबोट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख लेफ्टिनेंट कॉफी बर्ड पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन ठीक समय पर लिंडसे अपनी मिनी सबमरीन में आकर बर्ड को बचा लेती है और लेफ्टिनेंट कॉफी पर अटैक करने लगती है। लेकिन इसी समय वो मिनी रोबोट नीचे गहराई में गिर जाता है। इधर फाइट के कारण लिंडसे एंड कॉफी दोनों की भी सबमरीन काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी और देखते ही देखते लेफ्टिनेंट कॉफी का सबमरीन पानी के प्रेशर के कारण पिचक कर फट जाता है, जबकि लिंडसे की सबमरीन डूबने लगती है। उनके पास एक ही ब्रीदिंग सूट होता है तो लिंडसे खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेकर बर्ड से कहती है कि उसके शरीर को जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म तक लेके जाए, जहाँ पे बर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट देकर उसे रिवाइव कर सकता है। अब बर्ड ना चाहते हुए भी लिंडसे की बात मान लेता है और जल्दी से जल्दी उसे प्लेटफॉर्म पर लेके आता है और उसके बाद लिंडसे को रिवाइव करने की कोशिश करता है और काफी बार सीपीआर देने के बाद फाइनली लिंडसे में जान आ जाती है और इसी के कारण दोनों के बीच में जितने भी इशू होते हैं वो सारे खत्म होते हैं। मगर अभी भी उनके सामने एक और प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब न्यूक्लियर मिसाइल 20,000 फीट से ज्यादा गहराई में गिरा था जो कि 2 घंटों के अंदर ब्लास्ट कर जाएगी, जहाँ पे जो यूटीआईज यानी एलियंस भी होते हैं। अब उन एलियंस की जान बचाने के लिए बर्ड जाने का सोचता है, जहाँ पे नेवी के टीम से एडवांस सूट और एक ब्रीदिंग लिक्विड जो कि बर्ड की सांस लेने में मदद करेगा वो लेता है और नीचे जाके डाइव करने लगता है। वही थोड़ी गहराई में आने के बाद बर्ड अपना होश खोने लगता है, पर लिंडसे आकर वॉइस कॉन्टेक्ट के थ्रू बर्ड के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने लगती है। बर्ड होश में आ जाता है और फिर वो एक कीपैड के थ्रू बाकी क्रू मेंबर से कॉन्टेक्ट में रहता है और किसी तरह नीचे आने पर बर्ड को वो मिनी रोबोट मिल जाता है और लकीली अंदर रखे न्यूक्लियर मिसाइल को भी डिसार्म कर देता है। लेकिन इतनी गहराई में आने के कारण अब बर्ड के पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बचा होता, इसीलिए वो सबको गुड बाय करता है और उधर ही अपने आखिरी पल का इंतजार करने लगता है। पर तभी बर्ड को वहाँ पे एक एलियन क्रिएचर दिखाई देता है और यहाँ पे फाइनली मूवी का प्लॉट रिवील होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये यूटीआई यानी एलियन क्रिएचर आधे एलियन और आधे मछली की तरह दिखाई देते हैं, जिनसे किसी तरह का रेडिएशन निकल रहा था, जिसके कॉन्टेक्ट में आते ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बंद हो जाते थे। इधर वो एलियन क्रिएचर बर्ड को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाते हैं, पर इसके पहले कि बर्ड के सूट का ब्रीदिंग ऑक्सीजन खत्म होता, क्रिएचर्स अपने एबिलिटी से आसपास के पानी को हटा देते हैं ताकि बर्ड आसानी से सांस ले पाए, जहाँ पे बाकी के एलियन क्रिएचर बर्ड के पास आकर उसे कुछ क्लिप दिखाने लगते हैं कि किस तरह यूएस और नेटो आर्मी ने मिलकर सोवियत यूनियन के साथ वॉर की तैयारी की थी और कैसे इंसान हर बार लड़ाई कर खुद को और दुनिया को तबाह कर रहे हैं, यानी कि इंसान खुद खुद का प्लेनेट तबाह कर रहे हैं। इसीलिए ये एलियंस पूरी दुनिया में सुनामी क्रिएट कर इंसानों को मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर इंसान रहेंगे तो ये धरती पूरी तबाह कर देंगे, जिसे ये एलियंस भी मारे जाएंगे। एलियंस के पास वाटर कंट्रोल करने की एक पावर होती है, जिससे वो सुनामी क्रिएट कर रहे थे और उन्होंने इंसानों को मारने के लिए काफी जगह जगह पे सुनामी क्रिएट कर दी थी, क्योंकि इंसान पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं और इसीलिए उनके पास इंसानों को खत्म करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और यही कारण होता है कि हमने उस ह्यूमन लाइक एलियंस को प्लेटफॉर्म में न्यूक्लियर मिसाइल की जांच करते हुए देखा था, जहां पे वो सिर्फ यही देख आया था कि कहीं इंसान वापस लड़ाई करने तो नहीं जा रहे। पर तभी एलियंस बर्ड और बाकी टीम के बीच में हुए कन्वर्सेशन को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि कैसे बर्ड और उसके टीम ने अपनी जान पर खेल कर ये नीचे गिरी हुई मिसाइल को डिसार्म किया था। साथ ही लिंडसे और उसके बीच में हुए कन्वर्सेशन से उन्हें ये भी पता चलता है कि सारे इंसान बुरे नहीं है और लिंडसे और बर्ड जैसे इंसानों के द्वारा आज भी इंसानों के बीच में पीस हो सकता है। और
सब कुछ देख एलियंस अपने पावर को यूज करके सभी सुनामी को रोक देते हैं ताकि बर्ड और लिन से जाकर कुछ चेंज ला सके और एलियंस बर्ड को वापस भेज देते हैं। वही कुछ देर के बाद क्रू को बर्ड का एक मैसेज मिलता है जहाँ पे वो सभी को एलियंस के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि एलियंस नहीं चाहते कि इंसान आपस में लड़े वरना वो फिर से इसी तरह का कदम उठा सकते हैं। और इसी के साथ एलियन अपनी पावर को इंसानों को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म और उनके शिप्स के साथ पानी के ऊपर आते हैं जहाँ पे यूएस नेवी की शिप उनके सामने काफी छोटी लगने लगती है। इधर पानी से बाहर आने पर किसी भी क्रू मेंबर को कुछ भी नहीं होता जिसे देख सभी काफी हैरान होते हैं और यही अज्यूम करते हैं कि एलियंस ने उनकी बॉडीज को अपने पावर यूज करके डीकम्प्रेस कर दिया है। और मूवी के अंत में बर्ड और लिन से दोनों भी एक साथ वापस रहने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।